आपको मिलने वाले हर व्यक्ति पर इमीडिएट प्रभाव कैसे डाले, आइए डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, नए दोस्त बनाना आसान नहीं है। किसी नए पर्सन से मिलना हमेशा छोटी और एमलेस बातों, ऑकवर्ड साइलेंस और अनकंफर्टेबल आई कॉन्टैक्ट को लीड करता है। इसलिए हम में से अधिकांश लोग दोस्त बनाने की परेशानी से बचते रहते हैं। हम अपने दोस्तों के समूह से स्टिक रहते हैं और उन लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। लेकिन नए दोस्त बनाना इनक्रेडिबली बेनिफिशियल है दोस्तों। ये ना केवल आपके सोशल सर्कल का विस्तार करता है, बल्कि यह आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने में भी आपकी मदद करता है। ऐसी स्किल जो कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के बेनिफिट्स को आपकी जिंदगी में ला सकती है। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे इंस्टेंटली लाइकेबल बना जाए और आपके संभावित दोस्तों को 90 सेकंड के अंदर अंदर कैसे इंप्रेस किया जाए। तो इस समरी के अंदर आप जानेंगे कि आप किसी व्यक्ति की आंखों से उसके बारे में कितना जान सकते हैं। आप ये भी जानेंगे कि हम उन व्यक्तियों को क्यों पसंद करते हैं जो आपके आगे झुक कर बात करते हैं। नए दोस्त बनाना आपको कैसे लंबे समय तक जीवित रहने में मदद कर सकता है। दूसरों के साथ संबंध आपको स्वस्थ और अधिक सफल बनाएगा। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी की शुरुआत जैसा कि हिस्ट्री बताती है, अफ्रीका के मैदानों में बसने से शुरू हुआ था और वहां से हम होमो सेपियंस ने कम्युनिटीज में रहने के लाभों को समझा। उस समय आदि मानव एक साथ शिकार करते थे और खाना पकाते थे। वे जानते थे कि अकेले रहने के बजाय समूह में रहकर उनके जीवित रहने के ज्यादा बेहतर चांसेस थे। तो दूसरों के साथ जुड़ने और रिश्ता बनाने की गहरी इच्छा अभी भी हमारे अंदर रहती है दोस्तों। तो चाहे चॉकलेट पार्टियां हो, चाहे टाउन हॉल मीटिंग्स हो, स्टार ट्रैक सम्मेलन हो, हम सब एक दूसरे से मिलने और उनके आसपास रहने के मौकों को पसंद करते हैं। यह एक यूनिवर्सल ह्यूमन ट्रेट है दोस्तों, और हमारे स्वभाव को डिफाइन करने के अलावा लोगों के साथ संबंध बनाना वास्तव में हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए इनक्रेडिबली बेनिफिशियल है। तो हमें से जो दूसरों के साथ कनेक्ट होने में अच्छे हैं, वे लंबा जीवन जीने के बेहतर मौके ढूंढते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की डॉक्टर लीजा बर्कमैन की एक स्टडी में 7,000 लोगों को 9 सालों तक ऑब्जर्व किया गया। उसके परिणामों में पता चला कि जिन लोगों के सोशल या कम्युनिटी कनेक्शन क्वालिटी के नहीं होते हैं, वे मजबूत सामाजिक संबंध बनाने वाले लोगों की तुलना में एक गंभीर बीमारी से 3 गुना अधिक मारे जाते हैं दोस्तों। लेकिन लगातार नए मित्र बनाने का यही एकमात्र लाभ नहीं है, यह सफलता के लिए भी आवश्यक है। यदि आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस पानी है तो लगातार नए लोगों से मिलते रहें, उनसे दोस्ती बढ़ाते रहें। जो कोई भी सपना हम सब अपने जीवन में देखते हैं दोस्तों, चाहे वह एक अच्छा जॉब पाने का सपना हो, एक नए साथी से मिलने का सपना हो या किसी सोल्ड आउट ब्रॉडवे शो का टिकट मिलने जैसा हो, अगर आपकी सहायता करने के लिए आपके पास एक वाइड सोशल नेटवर्क है तो आप इन्हें खोजने के एक बेहतर मौके खड़े कर सकते हैं। तो अगर आपका अपने पुराने दोस्तों के साथ कनेक्शन है दोस्तों, तो हो सकता है वो आपको कोई जॉब ओपनिंग बताएं जिससे आपको एक अच्छा जॉब मिल सके, या आपके दोस्त आपके लिए एक ब्लाइंड डेट ऑर्गेनाइज कर दें जिससे आप एक नए साथी की तलाश कर सकें, और हो सकता है कि आपको जो सोल्ड आउट ब्रॉडवे शो का टिकट चाहिए वो आप ही का कोई दोस्त ऑलरेडी बेच रहा हो जिसे आप खरीदना चाहते हैं। तो दोस्त बनाने से संबंधों में होने वाले बेनिफिट्स क्लियर हैं दोस्तों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों के साथ कनेक्ट करना आसान है। वास्तव में नए लोगों के साथ कनेक्ट करना बहुत कठिन हो सकता है दोस्तों, खासकर यदि आपके पास कोई शेयर्ड इंटरेस्ट नहीं हो। तो जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपके पास केवल एक इंप्रेशन बनाने के लिए 90 सेकंड होते हैं। अगर आप 90 सेकंड में व्यक्ति के इंटरेस्ट को स्पार्क नहीं करते हैं तो यह बेहद मुमकिन है कि आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे। सौभाग्य से 90 सेकंड के अंदर कनेक्शन को बनाना संभव है दोस्तों। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज, आंखों और चेहरों की अभिव्यक्ति पर ध्यान दें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। अब आप जानते हैं कि एक नए व्यक्ति के साथ बिताए हुए पहले कुछ क्षण एक कनेक्शन बनाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि आपके कुछ कहने से पहले ही लोग आपके बारे में फर्स्ट इंप्रेशन बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कोई व्यक्ति आपके बारे में जो नोटिस करेगा वह है आपकी बॉडी, आपकी आंखें और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन। इन तीनों एलिमेंट्स के लिए खुलेपन की भावना को एक्सप्रेस करना अति आवश्यक है दोस्तों। अपने शरीर से शुरू करें,
यानी कि अपनी बॉडी से शुरू करें। किसी को ओपननेस डिस्प्ले कराने के लिए आपको अपने शरीर को सीधे उनकी ओर देखते हुए रखना अति आवश्यक है। यह सिंसियरिटी कम्युनिकेट करता है। वार्तालाप को फुल कमिटमेंट से करने और कनेक्ट करने के लिए तत्परता को दिखाता है। दोस्तों, उनकी आंखों में सीधे देखें। डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट ट्रस्ट डेवलप करने का एक बढ़िया तरीका है दोस्तों, और यह किसी भी सक्सेसफुल फर्स्ट एनकाउंटर का एक अनिवार्य तत्व है। तो अंत में यह सुनिश्चित करें कि आप दूसरे से पहले मुस्कुराएं। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनी मुस्कुराहट के माध्यम से निखारें। दूसरा व्यक्ति सबकॉन्शियसली समझ जाएगा कि आप ईमानदार हैं और ओपन हैं फ्रेंडशिप के लिए। इस एनकाउंटर के लिए वार्म और वेलकमिंग मूड को सेट करने के बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करके आइस ब्रेक कीजिए। दोस्तों, ज्यादा मत सोचिए, बस एक प्लेजेंट टोन में नमस्ते या हेलो जैसे स्टैंडर्ड ग्रीटिंग्स दीजिए। फिर व्यक्ति को अपना पहला नाम बताइए और उन्हें खुद का नाम बताने के लिए इनकरेज करिए। एक बार वैसा करते हैं तो तुरंत उनका नाम को दोहराना चालू कर दीजिए। वह आपकी मेमोरी में रह जाए, जैसे कि हैरी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा हैरी। तो दो बार ऐसे बोलकर, अभिनव, तुमसे मिलकर अच्छा लगा अभिनव। तो अंत में दूसरे व्यक्ति की तरफ थोड़ा सा झुकें, यह आपकी उनमें रुचि और ओपननेस को इंडिकेट करेगा। आप फॉरवर्ड लीन होते हुए एक सदा हुआ और सम्मानजनक हैंडशेक भी यूज कर सकते हैं, या हैंड्स फ्री टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने हाथों को साइड में छोड़ देते हैं। दूसरों के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करने के लिए आपको सही दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जब किसी के साथ नेचुरल सपोर्ट स्थापित करने की बात आती है तो इसमें शेयर्ड इंटरेस्ट की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऑब्वियस रीजन से आप उस व्यक्ति के साथ ही रेपो बिल्ड कर पाएंगे जो आपकी ही तरह किसी स्पोर्ट्स टीम को सपोर्ट करता है या बुक्स पढ़ता है। लेकिन फिर बात यह उठती है कि आप उन लोगों के साथ ऐसा क्या करें जहां कोई भी शेयर्ड गोल नहीं होता। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, ऐसे मामलों में आपको डिजाइन के थ्रू रेपो एस्टैब्लिश करना होगा। ऐसा करने के कई तरीके हैं, लेकिन उन सभी के लिए राइट एटीट्यूड होना चाहिए। आप या तो यूजफुल एटीट्यूड या यूजलेस एटीट्यूड रख सकते हैं। दोस्तों, एक यूजफुल एटीट्यूड इस बात पर फोकस करता है कि आप बातचीत से क्या चाहते हैं, जबकि एक यूजलेस एटीट्यूड में आप उन बातों पर फोकस करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। तो यदि आप एक यूजफुल एटीट्यूड दिखाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और आपको लाइकेबल बनाने वाले फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाएंगे। दूसरी ओर, यूजलेस एटीट्यूड आपको पैसिव या नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज से भर देता है, जिसके कारण लोग आपसे दूर हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप दूसरों के साथ अपने तालमेल को बेहतर करना चाहते हैं तो यूजफुल एटीट्यूड अपनाना बेस्ट होगा। लेकिन आपको ऐसा कैसे करना चाहिए, आइए सुनते हैं। दोस्तों, एक यूजफुल एटीट्यूड यह तय करने से शुरू होता है कि आप प्रत्येक बातचीत में क्या चाहते हैं। इसलिए जब कोई वार्तालाप शुरू करते हैं तो अपने एंड गोल और अप्रोच पर विचार करें, जो आपको किसी गंतव्य पे कुशलतापूर्वक पहुंचने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, आप छुट्टियों के लिए जा रहे हैं और आपकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। यदि आपके पास यूजलेस एटीट्यूड है तो आप इस फैक्ट पर फोकस करेंगे कि आप हवाई अड्डे पर फंसे नहीं रहना चाहते हैं। एक एयरलाइन कर्मचारी पर आपके चिल्लाने का कारण यह बन सकता है कि आपको रिप्लेसमेंट फ्लाइट की कितनी जरूरत है। हालांकि यदि आप एक यूजफुल एटीट्यूड अपनाते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने पर फोकस करेंगे जो आपको एक और फ्लाइट प्राप्त करने में मदद कर सकता है। चीखते और चिल्लाते हुए आपको यह सहायता नहीं मिलेगी दोस्तों, जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन कर्मचारियों के किसी सदस्य से ओपन और लाइकेबल बनना आवश्यक हो सकता है। तो संक्षेप में हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों, वार्तालाप से डिजायर्ड पॉजिटिव आउटकम पर फोकस करके आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और स्माइल को अपना लेंगे, जो आपको उन लोगों को अट्रैक्ट करने में सपोर्ट करेगा जो वास्तव में आपको दूसरी उड़ान प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। दूसरों के लिए योग्य और विश्वसनीय होने के लिए खुली और कंसिस्टेंट बॉडी लैंग्वेज को प्रदर्शित करें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने सीखा है, एक यूजफुल एटीट्यूड इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज के लिए नींव है। लेकिन इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज आखिर है क्या? बॉडी लैंग्वेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन बॉडी लैंग्वेज आपके दिल और शरीर को उजागर करती है दोस्तों। यह दूसरों को संकेत देती है कि आप केवल कम्युनिकेट करने के इच्छुक नहीं है, बल्कि उस कम्युनिकेशन में जो बात हो रही है, जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं, उसके प्रति भी आप उत्साहित हैं। तो इसके रिजल्ट से जब लोग अपने दिल से एक दूसरे के सामने बातचीत शुरू करते हैं तो वह एक पावरफुल कनेक्शन बनाते हैं और इससे म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ता है। दूसरी ओर,
क्लोज बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स के माध्यम से आपके हार्ट को बचाती है। यह रेजिस्टेंट, फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशंस और नर्वसनेस व्यक्त करती है। क्रॉस्ड आर्म्स डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज का सबसे आम उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि अपने आर्म्स को क्रॉस करना आपके हार्ट की रक्षा करता है और इसलिए पर्सन की भावनाओं की भी रक्षा करता है। तो जब आप अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर के सामने एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज प्रदर्शित करते हैं तो वह आपके क्लोज इमोशन को दर्शाता है। इससे आप दूसरे इंसान से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं दोस्तों, इसको समझिएगा। तो आपको ये समझना होगा दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ आपकी बॉडी के बारे में नहीं है, ये आपके चेहरे का भाव भी है जो ओपन या क्लोज भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ओपन चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है, आंखों से संपर्क करता हुआ होता है और रेज्ड आईब्रो जैसा होता है, और इससे ही आपके क्लियर एक्सप्रेशन प्रेजेंट होते हैं, जबकि एक क्लोज चेहरा कठोर दिखता है और आई कॉन्टैक्ट करने से बचता है। तो दोस्तों, आपके पूरे शरीर से कंसिस्टेंट एंड कॉन्ग्रुअस मैसेज प्रदर्शित होना अनिवार्य है। तो ये इंश्योर करने का एक और इंपॉर्टेंट तरीका है कि लोग आपको पसंद करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं, क्योंकि इनकंसिस्टेंसीज लोगों को परेशान कर सकती है दोस्तों। तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक प्रोमिनेंट पर्सन, फॉर्मर UCLA साइकोलॉजी प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन के अनुसार, विश्वसनीयता तीन कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स की क्रेडिबिलिटी पर निर्भर करती है। पहला है वोकल, दूसरा वर्बल और तीसरा विजुअल। तो दूसरे शब्दों में, आप क्या कहते हैं, आप इसे कैसे कहते हैं और आपका शरीर इसको कहते हुए जो सिग्नल भेजता है, इसके कॉम्बिनेशन से आपकी विश्वसनीयता प्रदर्शित होती है दोस्तों। इन तीनों को अलाइन होने की जरूरत है। यदि वे नहीं है तो दूसरे व्यक्ति को यह नहीं लगेगा कि आप ईमानदार हैं और आप दोनों अनप्लेजेंट फील करेंगे। एक दोस्त के बारे में सोचिए जो आपको कहता है कि यह ठीक है, जबकि वह क्रॉस्ड आर्म से दूर देखता है और अपने पैरों को मलता रहता है, तो यह कहना मुश्किल नहीं है कि वह ठीक नहीं फील कर रहा, इवन दो वो अपने वर्ड से कह रहा है कि यह ठीक है। तो इस कारण उसकी विश्वसनीयता कम होगी दोस्तों और ऑकवर्डनेस क्रिएट हो सकती है। मिररिंग मैनरिज्म नेचुरल है और आपकी उपस्थिति में लोगों को आराम महसूस कराने में आपकी सहायता कर सकती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। दूसरों की नकल करना एक फंडामेंटल ह्यूमन ट्रेट है। वास्तव में भले ही आपको यह महसूस ना हो, आप अपने जन्म के दिन से दूसरे लोगों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। एक बच्चे के शरीर की रिदम सचमुच में उसकी माँ के साथ सिंक्रोनाइज होती है और यह सिंक्रोनाइज करने की टेंडेंसी बाद में जीवन में जारी रहती है। उदाहरण के लिए, कपड़ों में एक एडल्ट का टेस्ट अक्सर उसके साथी के द्वारा प्रभावित होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई सिर्फ एक कॉपीकैट है? दोस्तों, असल में दूसरों के अकॉर्डिंग अडैप्ट होना पूरी तरीके से नेचुरल है। उदाहरण के लिए, जब कोई आपको देखकर मुस्कुराता है तो आप तुरंत वापस मुस्कुराने की इच्छा महसूस करते हैं। इसी तरीके से जब कोई यॉनिंग करता है या उबासी लेता है तो आप भी यॉन करना चाहते हैं, और अगर आपने कभी एक मुक्केबाज को पेट पर मुक्का खाते हुए देखा है तो आप जानते हैं कि यह आपको भी दर्द महसूस करा सकता है। तो दोस्तों, यह सिंक्रोनाइजेशन हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है और विशेष रूप से यह तब महत्वपूर्ण है जब रेपो बनाने की बात आती है। आखिरकार हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम आमतौर पर सबसे अच्छा तब महसूस करते हैं जब लोगों का व्यवहार हमारे व्यवहार के साथ सिंक होता है, और स्टडीज से पता चला है कि हम भी उन्हीं लोगों को हायर या डेट करना चाहते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे को ये समझना होगा कि सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है जब हमारी लाइकेबिलिटी को बढ़ाने की बात आती है। स्पेसिफिकली, यह सावधानी से कॉपी करने और अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर के जेस्चर, बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, यहाँ तक कि ब्रीदिंग एंड टोन ऑफ वॉइस की नकल करना हो सकता है। सेल्स पीपल के लिए सिंक्रोनाइजेशन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्टाइल में कोई भी मिसमैच सेल्स पिच को बिगाड़ सकती है। एक शांत व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसको आर्ट गैलरी में पेंटिंग ऑब्जर्व करते हुए एक एग्रेसिव सेल्स पर्सन के द्वारा टोका जाता है। यह सेल्समैन उसके बहुत करीब खड़ा है, उसके कंधे को पकड़कर और पिक्चर की प्रशंसा किए जा रहा है। तो यह कहना सही होगा दोस्तों कि अगर सेल्समैन बेहतर तरीके से अपने ग्राहक के साथ डील करना चाहता है तो उसको अपने ग्राहक के शांत व्यवहार और सम्मानजनक बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग खुद को मैच करना अति आवश्यक है। आपके कॉन्वर्सेशन पार्टनर के साथ अपनी आवाज को सिंक्रोनाइज करना भी एक विशेष रूप से पावरफुल टूल है दोस्तों। खासकर
आपका पार्टनर थोड़ी धीमी आवाज में बोलता है और आप तेज आवाज में बोलते हैं, तो बस अपनी आवाज कम करने से आपके साथी को मदद मिलेगी। वह उस व्यक्ति के साथ और अधिक आरामदायक बोलने लगेगा जो उसकी कोमल टोन को शेयर करता है। आप समझ रहे हैं ना? तो जब भी आपको किसी से रेपो बनानी है तो मिररिंग टेक्निक को यूज करें दोस्तों। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। आपको दूसरे को ऑब्जर्व करना है, एकदम कॉपी नहीं करना है। उसको ऑब्जर्व करते हुए उसके बॉडी एक्सप्रेशन, उसके टोनिंग, उसकी ब्रीदिंग, उसके अकॉर्डिंग ढलने का प्रयास करें और आप देखेंगे आप कितनी इजीली अपनी वेवलेंथ उस इंसान से मैच करवा पाएंगे और वो आपकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल महसूस करेगा और आप अपना इंप्रेशन 90 सेकंड के अंदर अंदर उस पर डाल पाएंगे। गुड कॉन्वर्सेशन की सही सवाल पूछना है और जानना है कि कैसे सुने। आइए इसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। इस पॉइंट तक इस बात के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा है कि राइट विजुअल क्यूज इंटोनेशन के माध्यम से किसी को अपनी उपस्थिति में कंफर्टेबल कैसे महसूस कराए। लेकिन ये तो क्लियर है दोस्तों कि आप जो भी कहते हैं वह भी एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सही दिशा में कैसे चैट कर सकते हैं, आइए समझते हैं दोस्तों। आपको यह समझना होगा कि क्वेश्चंस बातचीत शुरू करने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। तो ये दो रूपों में आते हैं, जो लोग दूसरे लोगों को बोलने के लिए इनकरेज कराना चाहते हैं या फिर वो दूसरे लोगों को कम बोलने का मौका देना चाहते हैं। तो आइए ओपन क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो सवाल होते हैं दोस्तों जो दूसरे लोगों को बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं और एक अजनबी के साथ एक हल्के कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि कितना प्यारा रेस्टोरेंट है और फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि आप कहां से हैं। तो दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चन की होता है कौन, कब, क्या, कहां, कैसे और क्यों। इसके थ्रू आपके कॉन्वर्सेशन पार्टनर से क्लैरिफिकेशन या ओपिनियन की रिक्वेस्ट करने के लिए कॉन्वर्सेशन जनरेटिंग वर्ड्स का उपयोग करना अति फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो दूसरी तरफ क्लोज्ड क्वेश्चंस हाँ या ना की प्रतिक्रिया को इनकरेज करते हैं। क्या आप, क्या तुम, क्या, तो इस जैसे फ्रेजेस के साथ आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर आप किसी से एक क्लोज्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, उदाहरण के लिए क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं, और आपको बदले में एक हाँ या ना से अधिक जवाब प्राप्त नहीं होगा, तो आप भाग्यशाली होंगे। आप दूसरे को कम बोलने का मौका देंगे और आप ज्यादा बोल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। तो इसलिए कॉन्वर्सेशन फ्लो को फ्लो करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना सबसे अच्छा तरीका है, और यदि आप दूसरे को कम बुलवाना चाहते हैं तो आप क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझना होगा सही सवाल पूछना ही कॉन्वर्सेशन का आधा पार्ट होता है। तो दूसरा पार्ट एक्टिव लिसनिंग होता है, जिसका अर्थ है कि ना सिर्फ दूसरे व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनना बल्कि उस व्यक्ति की भावनाओं और इमोशन पर भी ध्यान देना। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं दोस्तों। आपको सिर्फ अपने कानों से बहुत अधिक सुनना होगा। एम्पल आई कॉन्टैक्ट का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको घूरना नहीं है। स्पीकर को अपनी बॉडी से सुने, इसका मतलब है सुनते वक्त आप अपना दिल स्पीकर की तरफ फेस करें, यानी फ्रंट फेसिंग हो, थोड़ा झुके और जिस बात पर आप सहमत हो उसे सुनकर अपने सिर की मंजूरी देने की मुद्रा में जरूर हिलाएं, यानी कि नॉडिंग करें। और जब आप कुछ कहना चाहते हैं तो याद रखें दूसरे व्यक्ति को इंटरप्ट ना करें, जो कहा गया है उसका उत्साही ढंग से उत्तर दें। उदाहरण के लिए यदि आपका कॉन्वर्सेशन पार्टनर कहता है मुझे वास्तव में शिकागो में रहना पसंद है लेकिन मेरे पति को प्रमोशन मिल गया है और हम मियामी जा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा और स्ट्रेसफुल डिसीजन लगता है, आप कैसे तय कर रहे हैं कि आप कहां रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार बता रहा हूं दोस्तों। समझिए कि आपका कॉन्वर्सेशन पार्टनर किस स्टाइल को पसंद करता है और उस स्टाइल को अडेप्ट करें। 1970 में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और NLP के फाउंडर्स के अकॉर्डिंग लोग तीन अलग अलग सेंसेस यानी कि विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक में से एक के माध्यम से स्टिमुलाई को फिल्टर करके दुनिया को देख सकते हैं। नेचुरली सभी लोग जब भी अपने जीवन के बारे में बताते हैं तो इन तीन सेंसेस के मिक्सचर का उपयोग करते हैं, लेकिन इनमें से एक हमेशा हावी होता है और हमें यह जानना है कि आपके कॉन्वर्सेशन पार्टनर में कौन सा डोमिनेटेड सेंस है जो आपकी रेपो को प्रभावित कर सकता है।
तो दोस्तों जिन लोगों का डोमिनेंट ट्रेट विजुअल केयर है, वो चीजों के लुक्स पर ध्यान देते हैं, वे पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं, वे शायद तेजी से कपड़े पहनते हैं और बहुत तेजी से बात करते हैं। यह लोग इस तरीके के एक्सप्रेशंस का उपयोग करते हैं, जैसे आप खुद को कैसे देखते हैं या मैं देख रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो। ऑडिटरी पीपल बातचीत से प्यार करते हैं दोस्तों। लुइड मेलोडिक एक्सप्रेसिव वॉइसेस और शब्दों के बोल और आवाज का आनंद लेते हैं। नतीजतन वे ब्रॉडकास्टिंग, टीचिंग और कानून में करियर बना सकते हैं। वे परिचित लगता है, मुझे और बताओ, मुझे उसकी आवाज की टोन पसंद नहीं है, इस तरीके के फ्रेजेस का ऑडिटरी पीपल ज्यादा यूज करते हैं। अंत में काइनेस्थेटिक फोकस्ड पीपल उन ठोस चीजों को पसंद करते हैं जिसे वे महसूस कर सकते हैं। उनकी आवाजें धीमी होती हैं, वे टेक्सचर्ड क्लोथिंग पसंद करते हैं और बहुत धीमे बोलते हैं। अक्सर वो इस तरीके के फ्रेजेस का उपयोग करते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं और मैं उसके साथ संपर्क में आता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों किसी व्यक्ति के डोमिनेंट सेंस से अपने जवाबों को मैच करके तो आप उस व्यक्ति को अपने जैसे और अधिक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप जितना तेजी से बोलते हैं और आप अच्छी तरीके से कपड़े पहनते हैं तो विजुअल पर्सन आपको अधिक पसंद कर सकते हैं, और यदि आप बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं और आवाज के प्लेजेंट फॉर्मेट का उपयोग करते हैं तो ऑडिटरी पर्सन आपको ज्यादा लाइक करेंगे। और अंत में काइनेस्थेटिक लोग आपको तब पसंद करेंगे अगर आप उनकी टोन ऑफ वॉइस और सेंसिटिव तरीके को मैच करके बोलते हैं। तो दोस्तों आप कैसे बता सकते हैं कि दूसरा किस तरीके का लर्नर है? बस देखें कि वह कैसे अपनी आंखों को मूव करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी से यह पूछें कि उसे अपने वेकेशन में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, एक ऑडिटरी पर्सन बाएं और दाईं ओर देखता है जैसे कि वे अपने कानों को देख रहा हो, और एक काइनेस्थेटिक व्यक्ति अपने हाथों और शरीर की ओर देखने लग जाता है। इस बात को समझिएगा दोस्तों, ये बहुत अच्छा तरीका है ये पता लगाने का कि कोई इंसान ऑडिटरी है, विजुअल है या काइनेस्थेटिक है। दूसरे शब्दों में, यदि आप क्लियर नहीं है किसी के साथ कब कम्युनिकेट करना सबसे अच्छा है तो उनकी आंखों को देखिए। ऐसा करने से आप ये जान लेंगे कि वह व्यक्ति किस सेंस को फेवर करता है और आपको कौन सी कॉन्वर्सेशन स्टाइल फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों जबरदस्त किताब है, कैसे 90 सेकंड के अंदर किसी को भी इंप्रेस करें। ये बहुत छोटे छोटे टिप्स आपको इस किताब में बताए गए हैं। हम अंतिम सारांश में इस किताब का मेन मैसेज आपके लिए फिर से रिपीट करते हैं। एक नए अक्वेंटेंस यानी परिचित को इंप्रेस करना उस मूवमेंट से शुरू होता है जब आप दोनों मिलते हैं। एक व्यक्ति पहली मीटिंग में आपके पास रहकर जो महसूस करता है वह आपकी लाइकेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि जेन्युइनली ओपन एटीट्यूड और विलिंगनेस टू कनेक्ट को अपनाना आवश्यक है। लेकिन याद रखें, स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी को पहले 90 सेकंड में इंप्रेस नहीं करते हैं तो शायद आप कभी भी उसको इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। यह बात यह किताब कहती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा तो यही लक्ष्य है कि बेस्ट सेलिंग किताबों की समरी आपको बहुत सिंप्लीफाइड वर्ड्स में पहुंचा दें। आप अपना विवेक लगाइए, अपनी इंटेलिजेंस लगाइए और देखिए कि इसको आप कैसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरी शुभकामना है दोस्तों आप सभी के साथ, आप चैंपियन बने। धन्यवाद।